हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स का लैपटॉप। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, ये 20,000 के अंडर आ रहा है। और ये कैसे मैंने 20,000 के अंडर पाया, ये आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अभी आप देख पा रहे होगी कि ऑनलाइन ये 31,000 32,000 के अंडर दिखा रहा होगा अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर वही 30,000 के रेंज के अंदर आएगा। बट मैंने कैसे इसको अंडर 20,000 लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 3 मंथ्स में इसे यूज़ करके। तो कलर इसका रेड कलर है, तो आप सोचेंगे कि रेड कलर में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट मेरे को इसके लिए भी 1,000 ऑफ मिला है। जो ब्लैक एंड ब्लू कलर में ये मेरे को 1,000 एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैं इसको रेड कलर में ले लेता हूँ 1,000 रुपीज़ सेव करने के लिए। आप तब इसे खोलेंगे तो इधर इसकी एक डार्क स्क्रीन आती है, स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये i3 का लोगो लगा हुआ है और साथ साथ इतना बड़ा स्क्रीन है। काफ़ी कम इसका बॉर्डर है, जो कि आजकल रिसेंट मार्केट ट्रेंड है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि जो ये i3 है, इसके अंदर 8 GB रैम है और 256 GB SSD है। आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको चार्ज पे लगा रखा है। इसकी बैटरी बैकअप लगभग, अगर मैं हैवी कंप्यूटिंग करता हूँ, मतलब कि हैवी यूसेज करता हूँ, तो 1.5 घंटे तक सस्टेन कर पाती है। तो अगर यही चीज़ मैं अगर नॉर्मल यूज़ करता हूँ, तो ये 2-2.5 घंटे चल पाता है। ऑल्दो इसकी बैटरी बैकअप 3 घंटे लिखा है, बट ये 2 घंटे ही दे पाती है। बट उसके प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है जस्टिफाइड है, और कभी ये हैंग नहीं किया है अब तक, 3 महीने हो गए हैं। और मैं इसको लगभग डेली यूज़ करता हूँ, तो बैटरी भी इसकी जैसे नहीं कि ड्रेन हो के अब इसकी बैटरी लाइफ ख़राब हो रही है, बैटरी जैसी स्टार्टिंग में ही थी वैसी ही है। और बात रही इसकी परफॉर्मेंस की, तो लगभग मैं काफ़ी काम करवा चुका हूँ इससे, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बात रही अब प्राइस की, क्योंकि मैं ये वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ, स्पेसिफिकेशन तो आप इंटरनेट पर भी देख पाते हो। तो ये मैंने बिग बिलियन डे के टाइम पे लिया था, तो लगभग उस टाइम पे प्राइस दिखा रहा था 27,000 रुपीज़। और मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था जो कि लगभग 11 साल पुराना था, बट उस टाइम पे ये आप ऐसी बड़ी बड़ी सीरीज में देखेंगे तो कई बार उसका, बट वो था i5, तो वो मेरे को 11,000 के एक्सचेंज में मिल गया था। तो लगभग 16-17 हज़ार रुपये का मुझे पड़ा है, और 16-17 हज़ार रुपये में आप देखेंगे कि i3 i5 तो छोड़िए, बाकी सब जो एट पेंटियम 4 या उससे भी जो मतलब लोअर कैटेगरी के जो प्रोसेसर हैं वो भी नहीं आ रहे, तो उस हिसाब से देखा जाए इस प्राइस पॉइंट में जस्टिफाइड है। बाकी मैं कहूँगा कि अगर आपको ये मिल पा रहा है 20,000 से नीचे, तो आप डेफिनेटली लीजिए। बट अगर आप ये ले रहे हैं 30,000 रुपीज़ के आसपास, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप डेल, एसर या किसी अदर ब्रांड्स में जाइए, क्योंकि ये नया ब्रांड है। बाकी 20,000 के अंडर ये जस्टिफाइड प्रोडक्ट है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली यूज़ के लिए, और थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटिंग के लिए, जो कोई प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहा है कम हल्की वाली। तो धन्यवाद, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे कि मैं ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँ और हमको भी प्रोत्साहन मिले वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।